अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, ये हमारी ग्रामर लैंड की टेक्स्ट बुक जिसमें हमें हमारा ये चैप्टर है फिफ्थ प्रनाउन, जिसमें हमने ए और बी वाली एक्सरसाइज कर ली है, सी वाली भी फिनिश हो गई है। नाउ आपको ये सेंटेंसेस देखने हैं। नाउ लुक एट दिस सेंटेंसेस। आई एम अ स्टूडेंट, यू आर वेरी काइंड, ही इज टॉल, सी इज हैप्पी, इट इज हैवी। अब यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कि हमें जब आई हो तो उसके साथ कौन सा प्रनाउन यूज करना है वो हमें देखना है। दिस इज हाउ वी यूज प्रनाउन इन सेंटेंसेस। फर्स्ट वी यूज द वर्ड एम विथ आई। हम जब एम लिखते हैं तो किसके साथ लिखते हैं? आई के साथ। जब भी आई हो तो उसके साथ हमें एम लिखना है। वी यूज इज, हम इज लिखते हैं विद द वर्ड ईट, शी, ईट, ही एंड शी। ईट, ही और सी जहाँ पे भी लिखा हुआ हो उसके साथ हमें क्या यूज करना है? आई एज इज। वी यूज आर विद द वर्ड यू। हमें आर कहाँ पे लिखना है? जब यू लिखा हो तब। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी सेंटेंसेस और एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे। डी, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। फर्स्ट जो है वो हमें करके दिया हुआ है। फर्स्ट, दिस इज मुंबई, ईट डैश अ बिग सिटी। अब मैंने आपको बताया है कि ईट के साथ क्या यूज करना है? इज, इसलिए यहाँ पे इज यूज किया हुआ है। सेकेंड, यू डैश अ वेरी पोलाइट चाइल्ड। अब यहाँ पे यू दिया हुआ है तो हमें यू के साथ क्या यूज करना है? आर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आर, ए आर ई आर। नाउ थर्ड, आई डैश हंगरी। अब आई के साथ हमें क्या लिखना है? एम। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एम, आई एम हंगरी। ना फोर, यू डैश इन मिस मैनॉन्स क्लास। अब यहाँ पे यू है तो यू के साथ हमें क्या लिखना है? आर, ए आर ई आर। फाइव, दिस इज राहुल, ही डैश अ गुड स्टूडेंट। अब ही शी और इट उसके साथ क्या आएगा? आई एज इज, इसलिए यहाँ ही के साथ हम क्या लिखेंगे? आई एज इज। सिक्स, कमला इज अ डांसर, सी डैश वेरी ग्रेसफुल। कमला जो है वो डांसर है। अब यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो शी के साथ हमें क्या लिखना है? आई एज इज। ये हमारी डी एक्सरसाइज फिनिश हुई। नाउ ई, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द वर्ड इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स में वर्ड दिए हुए हैं उसकी हेल्प लेके हमें ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट करके दिया हुआ है डैश द एप्पल डैश रेड। अब जो एप्पल है ये एक नाम है, ये नाउन के साथ क्या यूज करना है हमें? आई एज इज। यू डैश लेजी, यू के साथ क्या आएगा? ए आर ई आर, यू आर लेजी। ही के साथ क्या आएगा वो हमें पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ही के साथ हमें इज लिखना है। ही डैश अ स्ट्रांग बॉय, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आई एज इज, ही इज अ स्ट्रांग बॉय। फोर, आई डैश टायर्ड, आई के साथ हमें क्या लिखना है? एम, आई एम टायर्ड। फिफ्थ, ईट डैश नॉट चिप। यहाँ पे ईट है, ईट के साथ भी हमें क्या लिखना है? आई एज इज। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ईट के साथ आई एज इज। नाउ सिक्स, बैन डैश अ स्लिप। बैन ये एक नाउन है, नेम है, इसके साथ क्या आएगा? इज, आई एस इज। सो ये हमारे दोनों एक्सरसाइज जो है डी और ई वो फिनिश हुई। आई होप आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन जो किया है वो समझ में आ गया होगा। रीड केयरफुली, लिसन केयरफुली एंड डू इन अ गुड हैंड राइटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो।